सर दिल्ली की क्या स्थिति है? दिल्ली में कल शाम तक 5980 5980 टोटल इन्फेक्टेड लोग थे, जिसमें से 448 कल एड हुए और कल 389 लोग रिकवर किए हैं, जो ठीक हो चुके हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक 1931 लोग दिल्ली में ठीक हो चुके हैं और जो अभी इलाज करा रहे हैं, जो बीमार हैं, उनमें से 87 लोग आईसीयू में हैं और 13 लोग। ये जो आंकड़ा है सर, नए मामले जो बढ़े हैं, क्या अभी तक इससे बड़े आंकड़े हैं? 24 घंटे के होते हैं सबसे बड़े आंकड़े हैं अभी ओवरऑल अगर बात करें। अच्छा, अभी जिस हिसाब से एम्स के डायरेक्टर हैं गुड़िया साहब, उन्होंने कहा है कि जून और जुलाई महीने में सबसे अधिक कोरोना के पेशेंट्स बढ़ते नजर आए, इस भविष्यवाणी को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, ये तो सारी जो मॉडलिंग है, ये साइंटिस्ट लोग और बड़े बड़े जो हमारे साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, अभी बनाते हैं और पहले भी मॉडलिंग की थी, मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। उस मॉडलिंग के हिसाब से, क्योंकि लॉकडाउन था इस वजह से या जो भी है, तो अभी उस मॉडलिंग के हिसाब से केसेज जितने प्रेडिक्ट किए थे थोड़ा कम है। और अगर वो कह रहे हैं कि जून में पीक आएगा और जून के बाद पीक खत्म होगा तो हो सकता है, तो बाकी देशों का पैटर्न भी कुछ इसी तरह से रहा है। सर, ये तबलीगी जमात में कोई अपडेट है और जो विदेशी आए थे उनके लिए क्या प्रोसीजर अपनाई जाए? देखिएगा, तबलीगी जमात के जो लोग हैं उनको हमने परसों आदेश कर दिए थे, उनको छोड़ा जा रहा है। सर, अब बुरहानी से विदेशी जो है विदेशियों को हम एमएचटी के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को, क्योंकि मुझे लगता है वीजा वगैरह एक्सपायर हो चुके होंगे, तो उनको सर बुराड़ी अस्पताल का आपने दौरा भी किया परसों और 450 से ज्यादा बेड है वहां पर, बड़ा अच्छा बड़ा अस्पताल है, कब से आप उसको शुरू करने जा रहे हैं? कोविड केयर सेंटर के हिसाब से स्टार्ट कर रहे हैं, अभी 2-3 दिन में स्टार्ट कर रहे हैं। सर, शराब को ई कूपन जो है उसको लेकर व्यवस्था सरकार ने बनाई, बड़ी तारीफ हो रही है, लेकिन वेबसाइट बीच बीच में डाउन हो रही है, तो इसको लेकर क्या कदम उठाए जाएंगे? क्योंकि कल ही स्टार्ट हुआ है इसलिए थोड़ा सा हो सकता है आज। सर, मेडिकल जो हेल्थ केयर है, डॉक्टर्स हैं, उनको कोई आंकड़ा हो कि कितने अभी तक वो लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार जो है वो आंकड़े छुपा रही है। नहीं, देखिएगा, ऐसा कुछ नहीं है, सबका बताया जा रहा है। दिल्ली के अंदर हमने बताया ना 5980 लोग हैं, अगर आपने अलग से पूछा कि अलग से कितने हैं उनको पता है, कल बताएंगे। सर, 400 के लगभग अभी हेल्थ केयर मेडिकल 400 से ज्यादा इनफैक्ट डॉक्टर्स नर्सेस के संक्रमित होने की बात आ रही है, ये कितना सीरियस चैलेंज है सरकार के लिए? और इसी सिचुएशन पर जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में तकरीबन 4 नर्सेस संक्रमित है ऐसा आरडब्ल्यू का कहना है और हॉस्पिटल ने यह जानकारी सरकार तक नहीं पहुंचाई है, ऐसे हॉस्पिटल्स में कोई काम नहीं? देखिएगा, अगर कोई भी पॉजिटिव आता है तो उसको कुछ छुपा नहीं सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उसका पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद वो छुपाएंगे। अगर जब तक रिपोर्ट नहीं आई तब तक नहीं कर सकते, रिपोर्ट आने के बाद सरकार को बताना, नोटिफिकेशन करना, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। सर, एक सवाल यह है कि ये कितना बड़ा चैलेंज है लेकर के कांग्रेस जो है अजय माकन कह रहे हैं कि देर रात जो रिपोर्ट जारी की गई उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप लोग छुपा जा रहे हैं। नहीं, छुपाई जा रहे थे तो 448 क्यों बताते, फिर तो हम 48 बताते ना। अगर दिल्ली के अंदर आज तक के सबसे ज्यादा है, छुपाने का मकसद होता तो ये होता कि जीरो केस है, छुपाने का कोई कारण नहीं, और ये तो पता नहीं हम कैसे कह रहे हैं क्यों कह रहे हैं। सर, आप लोगों ने कहा था कि आप बाकी अस्पतालों को एडवाइजरी जारी करेंगे जहां पर ये नॉन कोविड अस्पताल है, जहां पर डॉक्टर्स और हेल्थ केयर मेडिकल स्टाफ जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, बावजूद उसके उस वक्त जब ये बात आपने कही थी तो 200 के लगभग मामले थे, अब 400 क्रॉस कर गया। अब देखिएगा, दिल्ली के अंदर ना, अब उस वक्त में पूरी दिल्ली में जितने आंकड़े थे उसके भी दुगने हो चुके हैं 10-15 दिन में। तो दरअसल इन्फेक्शन जो हेल्थ वर्कर का है पूरे वर्ल्ड वाइड, क्योंकि सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल वो लोग हैं, सबसे जो भी बीमार होता है अस्पताल में जाता है तो सबसे ज्यादा सस्पेक्टेबल पूरा वर्ल्ड ओवर जो परसेंटेज 15% के करीब आ रही है, 15% के करीब हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड होते हैं। हमारे देश में भी अभी जो आपने आपकी बात को मान लिया, तो मैं अगर 400 है तो ये लगभग 7-8% बनता है। सर, सर मनीष जी आदेश दे चुके हैं कि डीएम कार्रवाई करें, लेकिन इसके बावजूद आरडब्ल्यू तो मनमानी कर रहे हैं, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन को एंट्री अभी भी नहीं दे रहे हैं, कई जगह ऐसे मामले देखने को मिल रहे हैं। नहीं, देखिएगा, प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन कोई बुलाएगा तभी जाएगा ना, वैसे तो जा नहीं सकता भाई, आरडब्ल्यू के अंदर कोई ठीक कराने के लिए बुलाएगा तभी जा सकता है, अगर ये थोड़ा कि मैं प्लम्बर हूं मैं अंदर जाऊंगा तो कोई लॉजिक नहीं बनता। सर, कंस्ट्रक्शन काम दिल्ली में क्या है, क्या शुरू कर दिया कंस्ट्रक्शन का? अलाउ कर दिया गया है। देखो, कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क, आपको पता होगा पिछली बार जैसे पोल्यूशन के टाइम पर कंस्ट्रक्शन वर्क रुका था तो रीस्टार्ट करने में टेक टाइम, बड़े काम को स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं होता कि आज आपने ऑन किया कल ऑफ किया, तो इसमें समय लगता है, उनको अपना पूरा बेनिफिट तैयार करना होता है, तो समय लगेगा।
तो क्या अभी जिस हिसाब से मैंने देखा कसर साहब कहीं चल भी नहीं है, अलाउड है क्या मजदूरों को वहीं रहने के लिए व्यवस्था की गई है? साइट के लिए कहा गया है कि जो बड़ी साइटें हैं वो अपना अपनी साइट के ऊपर रख के यहाँ पे सर दिल्ली से जो कोरोना के जो सैंपल्स नोएडा लैब में गए थे ऐसी खबर आ रही है कि उनकी रिसैंपलिंग हो रही है और यहाँ तक कि ये कहा जा रहा है कि रिसैंपलिंग करवाई जा चुकी है और उन सैंपल्स को नष्ट करने के आदेश दिए हैं। नहीं देखिएगा अगर रिपोर्ट 10 दिन 15 दिन में नहीं आएगी तो उसको कोई लॉजिक ही नहीं बनता 15 दिन रिपोर्ट में आने का। और दिल्ली सरकार ने कल आदेश दिए परसों आदेश दिए हैं कि 24 घंटे के अंदर आपको रिपोर्ट देनी ही होगी, अदरवाइज आप सैंपल ले ही नहीं सकते। सैंपल लेने से पहले आप सोच लीजिएगा कि वेदर यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग द टेस्ट और नॉट। कई लैब्स ने बहुत सारे सैंपल इकट्ठे कर लिए और 10 दिन 15 दिन 20 दिन अब 20 दिन के बाद उस रिपोर्ट का करेंगे क्या? इसके बाद कोई सेंसिटिव बनती उस सेंसिटिव है ही नहीं स्थिति की। तो हमने परसों आदेश दिए 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट देनी होगी और किसी वजह से मतलब रिपोर्टिंग में थोड़ा बहुत लेट है तो 48 घंटे से बाद में करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। सर लैब्स की संख्या बढ़ गई 8 से 13 हो गई आईसीएमआर में? नहीं 13 नहीं हो गई, 24 तो पहले से थी। प्राइवेट लैब्स सर? अच्छा प्राइवेट लैब्स। सर लिकर टोकन भी आज से दिए जाने की हाँ वो स्टार्ट हो चुका है। देखिएगा कल ही स्टार्ट किया है तो थोड़ा बहुत एक दो दिन हो सकता है।